हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एलोवेरा के बेनिफिट बताया था और बताया था कि कैसे इसको आप इजीली घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे मिट्टी में लगाना है और किस तरह से इसको आप घर पर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, बिना देर के हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम आपको एलोवेरा लीफ से बताएंगे कि कैसे एक एलोवेरा लीफ से आप एलोवेरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो एलोवेरा प्लांट नहीं मिलता है। तो अगर आपको एक लीफ भी मिल जाती तो आप इजीली उससे कैसे अपने घर पे आप एलोवेरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये यहाँ पे ये मिट्टी को तैयार किया हुआ है। इसमें 50% मिट्टी है, 20% इसमें रिवर सैंड है और 30% इसमें कंपोस्ट है। और इसमें आधा चम्मच फंगीसाइड भी डाला हुआ है ताकि पेड़ में फंगस न लगे। कैसे आप पूरा एलोवेरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसमें अगर इंसान को गर्म करेंगे इसे हटा के, उसको खूब अच्छे से मिक्स करिएगा। और इसके लिए देखिए, हमने 8 इंच का गमला लिया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं 2-3 ड्रेनेज होल बने हुए हैं। इसको आपको पूरी तरह जाम नहीं करना है कि मिट्टी जाम कर ले या इसका एकदम से नहीं बंद करना। इसके लिए कुछ कम कर लिए हैं। इसको इस होल पे ऐसे करके रख देंगे, ये पानी बहुत तेज़ी से ड्रेन भी ना हो और पूरी तरह से वो भी ना होने पाए, ड्रेन भी ना होने पाए, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें अब्जॉर्ब करें। तो आइए शुरू करते हैं। गमले में मिट्टी डालते हैं। जब तक मैं अपना गमला तैयार कर रही हूँ, तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आजकल ऐसी बीमारी फैली हुई है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना घर पे ही रहिए और सेफ रहिए। और अगर आप सेफ़ रहेंगे तो आपके फैमिली वाले भी सेफ रहेंगे। इस वजह से आप प्लीज़ घर से फालतू में मत निकलिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना घर पर रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें इतनी करीब आधे गमले के करीब इसमें मिट्टी भरना है। ये देखिए, ये बस इसमें इतनी मिट्टी इनफ रहेगी इसके लिए। और आइए आपको लीव दिखाते हैं जिससे हम प्लांट को ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये एलोवेरा लीफ है। जब भी आप ये लीफ लीजिए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इसका वाइट पार्ट होता है ये ज़रूर होना चाहिए इसमें। ये वाइट पार्ट से ही इसमें नए बेबी प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये वाइट पार्ट, ये मैंने बहुत देर, कम से कम 5-6 घंटे पहले मैंने इसको तोड़ के और छाँव में रख दिया था कि ये थोड़ा सा सूख जाए। जब ये सूख जाएगा उसके बाद ही इसको ट्रांसफ़र करना रहेगा गमले में। तो देखिए, ये मेरा जो ये वाइट पार्ट है ये अच्छे से सूख चुका है। इसको करीब 5-6 घंटे छाँव में रख के हमने सुखाया है। और अब इसको इसमें 1.5 से 2 इंच का होल करेंगे गमले में। और उसके बाद ये लीफ को इसमें कर देंगे। पर ये ध्यान रहेगी, इसको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट नहीं लगाना है, बल्कि हल्का सा इसको तिरछा करके फिर इसको लगाना है। इससे ये रहेगा कि इसके साइड से जो बेबी प्लांट निकलेंगे उनके लिए जगह भी रहेगी और वो आसानी से निकल जाएंगे। इसको लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये आप इजीली घर पे ग्रो कर सकते हैं ये प्लांट को। और आप देखिएगा, करीब 10 से 15 दिन बाद इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट इसके साइड से निकलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में आप जब पानी डालिएगा तो तभी ज़्यादा पानी लगेगा, उसके बाद 2-3 दिन में एक बार आपको पानी डालना रहेगा।
सर्दियों के टाइम में तो इसमें हफ्ते में बस एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती, पर आजकल गर्मी हो रही इस वजह से दो बार तीन बार इसमें पानी ज़रूर डालिएगा। देखिए इसको अच्छे से इसके अंदर दबा के बिल्कुल अंदर साइड करके इसको लगा देना है। ये देखिए ये पत्ती मेरी लग चुकी है इसके अंदर अच्छे से। थोड़ी सी इसमें और ज़रूरत है मिट्टी की, ताकि इसका वाइट पार्ट अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए और उसी से वो रूट निकलेगी जिससे आपके नए बेबी प्लांट ग्रो होंगे। ये आप पहली बार लगा रहे हैं मतलब शुरू में, तो इसमें पानी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत रहेगी। बस फर्स्ट टाइम पर देखिए इसको धीरे धीरे इसमें पानी डालें, एक बार ही पानी नहीं डालेंगे कि पूरी मिट्टी इसकी बह जाए या हो जाए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से भीग जाए। ये देखिए अब इसमें पानी इनफ हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, इतना पानी इसके लिए इनफ है। और एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्ती हेल्दी रहे, ग्रीन बिल्कुल ग्रीन रहे और हेल्दी दिखे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसको एक ऐसी जगह पर रखिए कि मॉर्निंग में 10 बजे की धूप इसको मिले, फिर उसके बाद इसके ऊपर छा आ जाए, तो इससे ये होगा कि आपके पेड़ हेल्दी रहेगा, इसकी पत्ती ग्रीन रहेगी और ब्राउन पत्ती नहीं होने पाएगी। वरना ज़्यादातर एलोवेरा धूप में रखने से ख़राब तो नहीं होता है, पर उसकी पत्ती बिल्कुल ब्राउन हो जाती है। और ये एक हर्बल प्लांट है, इस वजह से इसको तो बहुत ज़रूरी होता है, इसको घर में ग्रो करना इसका बहुत ज़रूरी रहता है कि ये घर पर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए हम इसको एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर मॉर्निंग में 10 बजे तक बस इसको धूप मिले, फिर उसके बाद इसके ऊपर छा जाए। तो देखिए हमारे गार्डन में ये वाला पोर्शन ज़्यादा सही है, यहाँ पे मॉर्निंग में 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक इस पर धूप रहती है, फिर उसके बाद यहाँ पे छा आ जाती है। और फिर देखिएगा 10 से 15 दिन बाद इसमें नए बेबी प्लांट उगेंगे। जब इसमें प्लांट आ जाएंगे तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे इसमें प्लांट आया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, स्टे होम स्टे सेफ़।